हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जाने प्लस टू एनआईएस बोर्ड का चैप्टर 32 विराटा की पद्मनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है उपन्यास है। इसका जो लेखक है, इसका जो उपन्यास रचयिता करता है, वो है बुद्धा वन लाल वर्मा। इन्होंने बहुत ही सहजता के साथ इसकी रचना किया है और इसमें उन्होंने एक दागी कन्या कुमुद के जीवन पर आधारित, जिसको दुर्गा देवी का अवतार माना जाता है, उसके इर्द गिर्द पूरे कहानी को रखा है। उन्होंने बताना चाहा है कि किस प्रकार जो है दागी कन्या जो कि दुर्गा की अवतार मानी जाती है, किस परिस्थितियों के साथ गुजरती है और किस प्रकार जो है विराटा जो होती है बिल्कुल ही शमशान में कन्वर्ट हो जाता है और उसके पश्चात क्या होता है। ये सब जानने के लिए, समझने के लिए आपको जो है चैप्टर को और उपन्यास को समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। लेकिन साथ में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक ज़रूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो, तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थी और आपके थ्रू वो मिल गया है, तो वो आपके शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है एनआईएस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th, CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड 10th हो या प्लस 2 हो, सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए, जो है बीए के बाद जो है एमए है, एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, ठीक है। दोस्तों, ये तो था आपके लिए, अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। विराटा की पद्मनी एक कथा है जिसमें आप आरंभ में ही जान चुके हैं और आशा करते हैं कि आप उसे समझ भी गए होंगे। अब हम इसमें जो विराटा की पद्मनी उपन्यास की कथा है वो हम संक्षिप्त में करेंगे, सार के रूप में करेंगे, जहाँ पर आपको समझना बहुत ही आसान होगा। अगर आपको विस्तृत जानना है, उसके हर एक पहलू को जानना है, तो आप इसके खंड जो है 72 खंड तक देखिए और समझिए। अगर शॉर्ट में जानना है तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन कहते हैं कि जो विराटा की पद्मनी था वो आखिर बहुत ही एक कथा थी, जिसमें विराट की पद्मनी जो है बुंदेलखंड के कुछ छोटे छोटे राज्यों को आपसी संघर्ष की कथा प्रस्तुत की गई है। ये राज्य थे आपको दिलीप नगर, रामनगर, गढ़कुंडार, बड़ा नगर आदि। कलापी मुगल साम्राज्य का एक सूबा था। देखिए, कलापी के इर्द गिर्द ही ये कहानी जो है घूम रही थी और ये जो था मुगल साम्राज्य का एक सूबा था जिसका फौजदार अलमर्दाना को नियुक्त किया गया था। यानी ये सूबा जो था मुगल सम्राट के अंदर था और इसका जो फौजदार नियुक्त किया गया था वो था अली मर्दाना। उस समय दिल्ली में जो है फरूख सियर का जो 1713 से 1719 शासन था। आपको पता है फरूख सियर ने जो है 1713 से लेकर 1719 शासन किया था। इसी के दौरान जो ये घटना थी घटी थी, क्योंकि सारे जो राज्य छोटे मोटे थे वो आपस में लड़ रहे थे अपने राजा के लिए, वो अग्रसर थे। कहते हैं बरनगर के पालर नामक गांव में दुर्गा का एक प्रसिद्ध मंदिर था। वहीं नरपति दागी के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जो किशोर अवस्था में पहुंचने पर दुर्गा के अवतार के रूप में प्रसिद्ध हो गई। उसका नाम कुमुद रखा गया था।
वो पद्मनी की कन्या कहलाती थी क्योंकि वह चंपा के समान गोरी थी। उसके शरीर में सुगंध निकलती थी। वह कमल के समान कोमल भी थी। कहते हैं संयोग बस दिलीप नगर का सनकी और अद्र पगला राजा नायक सिंह अपने दरबारियों के साथ पालर की झील में मकर संक्रांति का स्नान करने आया। राजकुमार कुजल सिंह और सैनिक सरदार लोचन सिंह देव सिंह के दर्शन के लिए दुर्गा मंदिर गए। उसी समय कलापी के फौजदार अलमर्दाना के दो मुसलमान सैनिक भी दर्शन के बहाने वहां आए। बातों बातों में दिलीप नगर और कलापी के सैनिक में झड़प हो गई। फिर इस झड़प ने कलापी और दिलीप नगर की सैनिक टुकड़ियों से युद्ध का रूप ले लिया। मुसलमान सैनिक दुर्गा मंदिर की ध्वस्त कर दुर्गा की अवतार मानी जाने वाली दागी कन्या पद्मनी का अपहरण करना चाहते थे। इधर दिलीप नगर का राजा भी उसके सौंदर्य की कहानी सुन उसे अपना महल में रखना चाहता था। अपनी सनक में हुआ कलापी के सैनिक टुकड़ी पर हमला कर बैठता है। मार काट मच जाती है। तभी इस युद्ध में दिलीप नगर के राजा की पराजय होने वाली ही थी कि एक बहादुर बुंदेला देव सिंह जो पालर में बारात के साथ दुल्हा वेश में आया था राजा नायक सिंह की सहायता के लिए पहुंच गया और नायक सिंह की रक्षा हो गई। कलापी के सैनिक टुकड़ी भी पराजित होकर भाग गई पर युद्ध में राजा और बुंदेला युवक दोनों घायल हो गए। उपचार के बाद देव सिंह स्वस्थ होकर राजा के साथ रहने लगा। वह राजा का अत्यंत प्रिय पात्र बन गया। उधर दागी कन्या कुमुद के प्रति श्रद्धा भाव होने पर भी राजकुमार कुजर सिंह के मन में उनके प्रति अनुराग पैदा हो गया था। कहते हैं कुजर सिंह जो थे एक दासी पुत्र थे, यानी राजा का पुत्र होने के साथ उनका जन्म जो हुआ था एक दासी कन्या से हुआ था, इसलिए वो राजकुमार तो बेशकली कहे जाते थे लेकिन जो है वो राजकुमार के पद के लिए राजा ने उनको कभी नियुक्त ही नहीं किया क्योंकि ये दासी पुत्र से उत्पन्न हुए थे। इसलिए छोटी रानी तो उनको प्यार करती थी बट बड़ी रानी के मन में उनके प्रति घृणा थी। कहते कुजर सिंह दिलीप कुमुद को दिलीप नगर के राजा नायक सिंह और कलब की फौजदार अलमर्दा दोनों से बचाने का संकल्प भी करता है। इस बीच दिलीप नगर का राजा नायक सिंह अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण मर जाता है और उसके स्थान पर उसका प्राण रक्षक देव सिंह दिलीप नगर का राजा बन जाता है। कहते हैं राजा भी वो बनता है तो उसमें भी जो है जनार्दन का षड्यंत्र होता है और जनार्दन जो है जैसे तैसे जो है देव सिंह को वहाँ का राजा बना देता है और कुज्जर सिंह राजकुमार होने के पश्चात भी उसको राज्य प्राप्त नहीं होता है और वो टकटकी लगा के देखता ही रहता है और अपने राज्य को छोड़ के वो संघर्ष करने लग जाता है और कुमुद के पास चला जाता है जहाँ पर वो मंदिर में अपना जीवन यापन करने लगता है। कहते कुज्जर सिंह जो नायक सिंह का दासी पुत्र था इस निर्णय का विरोध भी करता है। साथ में जो नायक सिंह की छोटी रानी भी विद्रोह कर देती है कि देव सिंह को राजा न बनाया जाए। वह स्वयं दिलीप नगर की गद्दी पाना चाहती है। इसके लिए वह अलमर्दाना को अपना राखी बंध भाई बना लेती है और उसको कहती है इस पर आक्रमण करें। उसके प्रति स्वर्गीय नायक सिंह का प्रिय पाप किंतु धूर्त नौकर रामदयाल उसकी सहायता करता है। कुज्जर सिंह नए राजा देव सिंह का तो विरोध करता है पर वह अलमर्दाना से सहायता लेना पसंद नहीं करता है। इस कारण कुज्जर सिंह छोटी रानी क्रोध का भाजक बनता है पर वह सिंहगढ़ के किले पर कब्जा करके वहीं रहने लगता है। छोटी रानी भी वहीं आ जाती है। अलमर्दाना कुमुद के अपने हरम में शामिल करना चाहता है क्योंकि अलमर्दाना जो है कुमुद को अपना रखेल बनाना चाहता है और उसको अपने महलों में उसको स्थापित करना चाहता है। उसके भय से नरपति सिंह कुमुद को पालड़ के दुर्गा मंदिर से हटाकर विराट के दुर्गा मंदिर में ले जाता है। उधर कुछ दिनों तक सिंहगढ़ में रहने के बाद कुजर सिंह देव सिंह में पराजित होकर सिंहगढ़ छोड़ना पड़ता है। वो भटकता हुआ विराट के किले में पहुंचता है। वहां का राजा उसे दुर्गा मंदिर की रक्षा का भार और तोपखानों के संचालन कार्य सौंपता है। छोटी रानी सिंहगढ़ के दूर से निकलकर रामनगर राज्य की शरण लेती है। विराटा और रामनगर के राज्य एक दूसरे के पुश्वेती दुश्मन है। अलमर्दाना विराट पर आक्रमण करता है। उसका उद्देश्य कुमुद को प्राप्त करना ही मात्र होता है। देव सिंह अलमर्दाना का सामना करता है पर न चाहते हुए भी वह विराटा पर आक्रमण करने का बाध्य होता है। वह कुजर सिंह को उसके विद्रोह के लिए दंड देना चाहता है। इस बीच कुजर सिंह और कुमुद का अनुराग गंभीर प्रेम में परिणित हो जाती है। कुजर सिंह अपने प्राण देकर भी कुमुद की रक्षा करने का संकल्प करता है। विराटा गद्दी अलमर्दाना और देव सिंह दोनों को सेनाओं के बीच में घिर जाती है। विराटा के राजा और सैनिक
केसरिया वस्त्र धारण कर और मर्दाना की सेना के साथ जौहर युद्ध में कूद पड़ते हैं और मृत्यु का आलिंगन करते हैं। कुज्जर सिंह कुमुद को अलमर्दाना के हाथ से बचाने के लिए उसे लेकर मंदिर से बाहर निकलता है। कुमुद कुज्जर सिंह के गले में जंगली फूलों की एक माला डालती है जो उसे स्वीकार होता है। वहाँ से दोनों अलग अलग राहों से प्रस्थान करते हैं। कुज्जर सिंह की भेंट देव सिंह से हो जाती है जहाँ युद्ध जोर पर है। कुज्जर सिंह देव सिंह के हाथों मारा जाता है। उधर अलमर्दाना कुमुद का पीछा करता है पर वह उसके हाथ नहीं आती है और एक चट्टान के ऊपर से वो फिसल जाती है और चट्टान से फिसलने के कारण वह बेताब नदी में छलांग लगाकर अपना प्राण त्याग देती है। इस प्रकार कुमुद अपना नाम विराट की पद्मिनी सार्थक करती है। कहते हैं ये कथा जो है बहुत ही रोचक है और इसमें बहुत कुछ समझने के लिए है। कहते हैं जहाँ पर जो है जनार्दन ने अपने छल कपट से जो है राज्य को हथिया लिया, और आप जब इसके विस्तृत खंड पर होगे तब आपको इसको विस्तृत बारे में जान पड़ेगा किस तरह उन्होंने षड्यंत्र रचा था। जब राजा नायक सिंह मर रहा था तो वो वृद्ध था लेकिन उसके मुंह से कुछ आवाज़ तक भी नहीं निकल रहा था, और दावत कलम ला के उन्होंने क्या किया, फटाक से जो है देव सिंह का नाम लिखवा दिया। तो ये सब जनार्दन का चाल था, और जनार्दन जब देव सिंह राजा बना तो उसके जो है बेरे में वो मंत्री बन बैठा और संचालन करने लग गया। कहते हैं कुमुद का जो है कुज्जर सिंह से प्रेम था, और कुज्जर सिंह दासी पुत्र होने के कारण उसको राज्य भी प्राप्त न हुआ, क्योंकि नायक सिंह भी जो था राजा होने के बाद भी कुमुद को अपना हरम में शामिल करना चाहता था। वहीं जो था अलमर्दाना भी उसको अपने हरम में सम्मिलित करना चाहता था। ये जो कन्या थी वो दोनों तरफ से फंस चुकी थी, लेकिन उसका प्रेम जो था कुज्जर सिंह के लिए था, और कुज्जर सिंह क्योंकि दासी पुत्र था इसलिए उसको राजगद्दी नहीं मिला। देव सिंह जो था वो प्राण का रक्षा किया था राजा का, तो राजा से बहुत ही स्नेह हो गया। कहते हैं मरते दम तक राजा ने देव सिंह का ही नाम पुकारा, तो सभी लोगों ने ये समझा कि देव सिंह को जो है राजा ने उसको राज्य सौंप दिया है। उधर कहते हैं गोमती भी इस कहानी का मुख्य पात्र भी मानी जा सकती है, क्योंकि जिस समय देव सिंह अपना बारात लेके आ रहा था उस समय उसको जो है गोमती से ही विवाह होना था, लेकिन गोमती का विवाह न हो सका और देव सिंह घायल हो गया राजा के साथ, और वो राज्य दरबार में चला गया और वहीं पे शासन करते रह गया। कहते हैं अगर हम गोमती के बारे में ना जाने तो भी बात सत्य नहीं होगा। गोमती फिर क्या करती है, अपने घर द्वार छोड़ के कुमुद के साथ जो है विराटा में चली जाती है रहने के लिए, और वहाँ पर जो है शेष जीवन अपना व्याप्त करती है। कहते हैं जब युद्ध ख़त्म हो जाता है तो राजा जो होता है वो अपने राज्य में उसको ले जाता है, और इस तरह से जो है पूरी स्टोरी बनती है, और इसमें जो है बहुत ही सुचारू रूप से कहानी जो है गढ़ी गई है। तो कहते हैं ये 17वीं शताब्दी की सबसे एक बहुत ही भव्य दिव्य कहानी थी जो विराटा की पद्मिनी की थी। इसमें जो है प्रेम की एक विचित्र कथा बताई गई है और समझाने की कोशिश भी किया गया है। अगर आपको और अच्छे विस्तार से जानना है तो इसको हर एक खंड के पढ़िए, समझिए और देखिए, फिर आपको इसमें हर एक क्वेश्चन और हर एक चीज़ों के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आप देखते रहिए, इसके खंडों को समझते रहिए दोस्तों। ओके बाय। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है, जो आप गूगल पर को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान श्री सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6th सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान श्री सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है
पर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।